एचएल टीवी न्यूज। प्रदेश में सरकार द्वारा पंचायत चुनाव में शैक्षणिक योग्यता लागू करना लोगों के गले की फांस बन गया था। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए लोगों ने शैक्षणिक योग्यता पूरी करने के लिए जबरदस्त हथकंडे अपनाए। आनंद फानंद में किसी ने 8वीं और किसी ने 10वीं पास के फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर लोगों ने चुनाव लड़ा। ऐसे ही कुछ फतेहाबाद के गांव पिछलिया के सरपंच पर आरोप लगे, जिन्होंने फर्जी दस्तावेज बनाकर चुनाव लड़े, जिसकी शिकायत गांव की हारी हुई प्रत्याशी रमनप्रीत कौर ने की। रमनप्रीत का आरोप है कि गांव पिछलिया के सरपंच वीरपाल कौर की यूपी के एक स्कूल से जारी हुए सर्टिफिकेट को मेरठ जिला विश्वविद्यालय निरीक्षण ने अपनी रिपोर्ट में फर्जी बताया है। इस पर कार्यवाही के आदेश दिए गए हैं। साथ ही निरीक्षक ने अपनी जांच रिपोर्ट की कॉपी फतेहाबाद डीडीपीओ कार्यालय में भेजी है। शिकायतकर्ताओं ने जल्द मौजूदा सरपंच वीरपाल कौर को बर्खास्त करने की मांग की है। ऐसे में फर्जीवाड़ा कर चुनाव जीतने वालों की सरपंचों की चौधर खतरे में पड़ चुकी है। हमारे गांव की एक जो जीती हुई सरपंच है, उसने फ्रॉड करके जाली सर्टिफिकेट लगा करके अपनी सरपंची जीती। उसके पति का नाम जीवन कुमार है और सरपंच वीरपाल कौर जीती हुई है। उसने क्या कि एसएलडी कॉलेज मेरठ से जाली सर्टिफिकेट बनवाया था, जिसका हमें पता चला कि यह जाली है। तो हमने क्या किया कि आरटीआई लगा करके पूरा उसका छानबीन करवाई, तो हमें पता लगा हाँ मेरठ के जिला शिक्षा अधिकारी से कि ये जो कागज हैं, जो इसने सर्टिफिकेट बनवाया है, ये बिल्कुल जाली है। जी, मैं रमनप्रीत कौर पिंड पलशिया तो आई। मैं सरपंच दी चोन लड़ी सी। मेरे विरुद्ध खड़ी सी वीरपाल कौर, जो जिसने 8वीं अपना सर्टिफिकेट उन्हें जाली लगाया होगा और मेरठ तो बनवा के लिया हुआ जी। उसने उन्हें सरपंची लैन वास्ते ही उन्हें जाली अपना सर्टिफिकेट बनवा के सिर्फ सरपंची के तौर पर उन्हें अपने आप सरपंच जितया जी। वो नागपुर तो हैगी है जी, उन्हें भज के शादी करवाई है जी बाणिए नाल जी, और उसके उसकी जो पहले दो शादियां पहले हैं, और ये वो उसका जो हमने नागपुर से सर्टिफिकेट लिविंग सर्टिफिकेट है वो भी हमने निकलवा लिया है। वो चौथी तक की पढ़ी हुई है जी। मैं यही चाहनी है जी उन्होंने सरपंची तो बर्खास्त किया जाए। इन्होंने साढ़े पिंड की लड़की नूह सी जी, इन्होंने चुनाव लड़िया जी सरपंची का, तो इन्हों के अगले बराबर के वीरपाल कौर सी सरपंची का इलेक्शन लड़ने वास्ते जी, उन्होंने फर्जी सर्टिफिकेटा नाल चुनाव जितया जी। बिल्कुल फर्जी सर्टिफिकेट ने उन्होंने, जो कि यदि आरटीआई राही जाँच हुई है जी, मेरठ आरटीआई द्वारा जाँच हुई है, उस पूरा तौर पर फर्जी पाए गए हैं जी। गांव पिलछिया के सरपंच वीरपाल कौर के ऊपर गांव के कुछ व्यक्तियों ने यह आरोप लगाया है कि उसकी उसके जो शैक्षिक योग्यता के दस्तावेज हैं वो फर्जी हैं। इस संदर्भ में हमारे विभाग द्वारा जांच की जा रही है, तथा सांगन जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहां से हमने दस्तावेज मूल दस्तावेज निकालने का प्रयास किया है, तथा वहाँ के जो जिला विद्यालय निरीक्षक हैं मेरठ के, उनसे भी संपर्क किया गया। उनका पत्र 4 मई 2016 का लिखा हुआ पत्र हमें प्राप्त हुआ है। उस पत्र के अनुसार जो सांगन मेरठ का इंस्टीट्यूट है उसको यह दस्तावेज जारी करने की अनुमति नहीं है। फतेहाबाद से हलचल टीवी के लिए जसपाल सिंह की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हलचल टीवी न्यूज़।